नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रशासन भले ही तमाम तरह के प्रयास कर ले और तमाम तरह की घोषणाएं कर ले, मगर धरातल पर देखा जाए तो सभी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं, जिसका नतीजा शासकीय अस्पतालों में इलाज करा रहे या कराने आने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला सोमवार को भीतरवार के सामुदायिक अस्पताल में देखने को मिला, जो भर्ती प्रसूताओं के नवजात बच्चों की लू लगने से जान जोखिम में पड़ गई। अवस्थित प्रसूता कक्ष के नवजात बच्चों की लू से बिगड़ी हालत देख उनकी माताओं द्वारा शुरू हुए रुदन को देखते हुए अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जिसमें हरकत में आए स्वास्थ्य प्रबंधन ने बीमार नवजातों का उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूता कक्ष में खिड़कियां टूटी होने से अंदर घुसी गर्म हवाएं सीधे भर्ती नवजात बच्चों तक जा पहुंची, जिससे अत्यधिक गर्मी और लू लगने से भर्ती आधा दर्जन से अधिक प्रसूताओं के नवजात बच्चों की अत्यधिक गर्मी और लू लगने से अचानक तबीयत बिगड़ गई और अपने नौ निहालों की लू से खराब हुई तबीयत देख प्रसूता माताएं बुरी तरह से घबरा गई और रोना शुरू कर दिया, जिससे सुन उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल प्रबंधन को दी, जिस पर पहुंची स्टाफ नर्स द्वारा सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। दरबार में 8 बच्चे मतलब बीमार हो गए हैं लच्छी खाने में, तो सर इस मामले में आपका क्या कहना है? ये आज की घटना अभी अभी मेरे संज्ञान में लाई गई है, इस रूप से गंभीर मामला है और भीषण गर्मी है। ऐसे में वहाँ पर क्यों व्यवस्थाएं नहीं थी, ये अभी हम पीएमओ से बात करेंगे, इस संबंध में व्यवस्थाएं सुधरवाई जाएंगी और इसकी भी लापरवाही होगी उसकी प्रथम कार्रवाई स्थापित करेंगे। सर कूलर पंखे भी बंद हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, बाहर से लू आ रही है बच्चों के लिए। हाँ वही इससे पहले कोई तैयारी नहीं की गई सर? जो भी व्यवस्थाएं हैं खासकर कूलर एसी आदि जो भी लगे होंगे उनको ठीक करवाएंगे, और अब तक क्यों नहीं कराया गया ऐसी भीषण गर्मी, ये तो बहुत ही गंभीर लापरवाही है। इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके मतलब कार्रवाई।